नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 3 अक्टूबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की होगी पूजा अर्चना। बिहार के ईशान किशन के साथ मुकेश भी होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा। इन पंचायतों में चलेगी जल सुरक्षा योजना। बिहार में लगेंगे निर्यात आधारित उद्योग। मिलर की सेंचुरी पर भारी पड़ी सूर्या की पारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 990 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने साइंटिफिक असिस्टेंट के कुल मिलाकर 990 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 3 ईयर्स बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 60% मार्क्स और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ पास होने के साथ ही 10+2 की साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की होगी पूजा अर्चना। बिहार में इस बार दुर्गा पूजा को लेकर काफी धूमधाम है। हर पंडाल और मंदिर की सजावट की खासियत तो उसका थीम बेस्ड डेकोरेशन और लाइटिंग है। शहर के विभिन्न इलाकों में लाइटिंग, रिबन और सजावट का कार्य कल देर शाम तक जारी रहा। कहीं कहीं यह कार्य पूरा भी हो गया है। वहीं आज यानी 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। शारदीय नवरात्रि में आखिरी के 2 दिन अष्टमी और नवमी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। माना जाता है कि इन 2 दिनों में की पूजा, जाप, अनुष्ठान, सेवा, उपाय करने से जीवन भर खुशहाली बनी रहती है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन पंचायतों में चलेगी जल सुरक्षा योजना। बिहार सरकार ने जल सुरक्षा योजना के तहत नीचे जा रहे भूजल स्तर के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। खासकर जिन पंचायतों में भूजल का स्तर 40 फुट से नीचे है, वहां इन पंचायतों में सबसे पहले बारिश के पानी को स्टोर करने के बाद दोबारा से इसे धरती में वापस भेजने का काम होगा। बता दें कि राज्य में 8061 पंचायत है। इसमें 61 पंचायत ऐसे हैं जहाँ भूजल का स्तर 50 फुट से नीचे है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन पंचायतों के भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए अब जल सुरक्षा योजना चलाने का निर्णय लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो पानी स्टोर करने के लिए यहां परकुलेशन टैंक बनाया जाएगा, जहां पानी को स्टोर किया जा सके और परकुलेशन टैंक के माध्यम से पानी रिचार्ज हो सके। साथ ही इन पंचायतों में कुओं को दोबारा जीवित किया जाएगा। थावे मंदिर इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है थावे मंदिर। थावे मंदिर बिहार के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित है। मां शक्ति के कई नाम और स्वरूप हैं। भक्तगण उन्हें कई रूपों में कई नामों से पूजते हैं। माँ थावे वाली उनमें से एक है। पूरे भारत में 52 शक्ति पीठ है, यह स्थान भी उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि माँ अपने अन्य पवित्र स्थान कामरूप असम से यहाँ आई हैं, जहाँ उन्हें माँ कामाख्या के रूप में जाना जाता है। माँ को सिंहासिनी देवी रहशु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। जमीन रजिस्ट्री करवाने में अब नहीं होगी ये परेशानी। अब बिहार में जमीन की रजिस्ट्री करवाने में और भी सुविधा होगी, क्योंकि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने 11 नए निबंधन कार्यालय खोले हैं। इसके लिए 11 अवर निबंधक और 11-11 रात्रि प्रहरी व कार्यालय परिचारी सहित कुल 33 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद अगर फतुहा के लोगों को जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए पटना सिटी जाना पड़ता है, तो अब आप फतुहा रजिस्ट्री कार्यालय में फतुहा के साथ ही दनियावा और खुसरूपुर अंचल की रजिस्ट्री होगी। वैसे ही बिहटा और मनेर अंचल के लोग दानापुर, मसौढ़ी या बिक्रम की जगह बिहटा अवर निबंधन कार्यालय में ही रजिस्ट्री करा सकेंगे। बता दें कि फुलवारी शरीफ का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित करते हुए नए खोले गए संपतचक अवर निबंधन कार्यालय का क्षेत्र संपतचक के 41 राजस्व ग्राम और पुनपुन के 40 राजस्व ग्राम तक सीमित किया गया है।
पटना को पहली बार मिला ODF डबल प्लस का दर्जा। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना नगर निगम ने सिटीजन वॉइस, सर्विस लेवल प्रोग्रेस और सर्टिफिकेशन तीनों में बेहतर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, पहली बार पटना को ODF डबल प्लस में भी स्थान मिला है, जिसमें पटना को 600 अंक मिले हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 6 पायदान पर ऊपर चढ़कर पटना ने 10 लाख की आबादी वाले 50 बड़े शहरों में 38वां स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले पटना की स्वच्छता रैंकिंग 44 थी। बताते चले कि वर्तमान समय में पटना नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र के सभी 75 वार्डों में डोर टू डोर कचरा का उठाव हो रहा है और इस श्रेणी में पटना को 1200 अंक मिले हैं। इसके साथ ही जनता भी अपना दायित्व निभाए और अपनी शिकायतों और सुझाव टोल फ्री नंबर 155304 के माध्यम से पटना नगर निगम को पहुँचाए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी गांगुली का जन्म ब्रिटिशकालीन भारत में 18 जुलाई 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिला में हुआ था और उनका निधन आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1923 को 63 साल की आयु में कोलकाता में हुआ था। उदार विचारों के धनी कादम्बिनी के पिता ब्रजकिशोर ने पुत्री की शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। कादम्बिनी ने 1882 में कोलकाता विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कादम्बिनी भारत की पहली स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का गौरव भी प्राप्त हुआ। कादम्बिनी गांगुली पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाली महिलाओं की लचर स्थिति पर भी काफी कार्य किया। उनका विवाह द्वारकानाथ गांगुली के साथ हुआ था, जो ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता एवं समाज सुधारक थे। अब सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी पुलिस प्रशासन। बिहार पुलिस को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट माध्यमों पर सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल अपनी बात हर आदमी तक पहुंचाने और अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल का फैसला किया है। इसके लिए जिलावार बाकायदा रोस्टर बनाकर काम होगा। कभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के फोन इस्तेमाल पर चिढ़ने वाली पुलिस मुख्यालय ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए के SSP और SP को सप्ताह में कम से कम 2 बार प्रेस ब्रीफिंग करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बिहार पुलिस का ट्विटर हैंडल बिहार पुलिस और फेसबुक पर बिहार पुलिस www.facebook.com या बिहार पुलिस ऑफिशियल पेज है। 53 कैमरों की निगरानी में होगा गांधी मैदान में रावण वध। दुर्गा पूजा में रावण वध कार्यक्रम को लेकर राजधानी पटना के गांधी मैदान की व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इसके लिए गांधी मैदान के कोने कोने में चारों तरफ 136 LED मेटल लाइट, 112 पोल लाइट और 15 हाई मास्ट लाइट लगाई जा रही है। इसके अलावा गांधी मैदान में लगे 53 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। इस दौरान गांधी मैदान के सभी गेटों से लेकर अंदर के एक एक भाग में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आपको बताते चले कि गांधी मैदान में शनिवार को होने वाली रावण वध की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि, रेंज IG राकेश राठी, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो, गांधी नगर आयुक्त अनिमेश पराशर और अन्य अधिकारी पहुंचे। बिहार में लगेंगे निर्यात आधारित उद्योग। बिहार सरकार लगातार कोशिश में है कि उद्योगपति बिहार आएं और यहां उद्योग स्थापित करें, ताकि बिहार वासियों को अपने प्रदेश में ही रोजगार का अवसर प्राप्त हो। इसी कोशिश में बीते दिन महागठबंधन सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि मेरा खुद व्यापार के क्षेत्र में 40 सालों का अनुभव रहा है, इसलिए मुझे इस क्षेत्र की बारीकियों का ज्ञान है। इसलिए बिहार में अधिक से अधिक उद्योग कैसे लगे, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी कोशिश होगी कि प्रदेश में निर्यात आधारित उद्योग अधिक लगे, जिससे 40 करोड़ लोगों को फायदा हो, और जब ऐसा होगा तो निवेशक बिहार में उद्योग लगाने में संकोच नहीं करेंगे। बिहार के ईशान के साथ मुकेश भी होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी इंटरनेशनल मैच में बिहार के दो क्रिकेटर एक साथ टीम के हिस्सा बनेंगे। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की ओर से खेलने वाले गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए किया गया है। बता दें कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुकेश बीते शनिवार को ईरानी ट्रॉफी में खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी का प्रदर्शन कर 4 विकेट चटकाए थे, जिसका इनाम उन्हें मिला है। और आगामी 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 दिवसीय वनडे सीरीज में भारतीय टीम में उनका चयन किया गया है। बता दें मुकेश को पिछले माह न्यूजीलैंड ए खिलाफ भारत ए टीम में पहली बार मौका मिला था, जिसमें उन्होंने पदार्पण करते हुए 4 दिवसीय टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए थे।
दुर्गा पूजा और विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी। बिहार पुलिस प्रशासन ने दुर्गा पूजा के साथ साथ दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिया है। डीएम और एसएसपी ने कहा है कि पूजा पंडालों में भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम घाटों का निर्माण किया गया है। वहीं विसर्जन के दिन नदी में बिना अनुमति के नाव परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी करने से मना किया गया है। इस दौरान आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहेगी। डीएम और एसएसपी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकार, थानाध्यक्ष, सीओ, एसडीओ, एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। फिट इंडिया क्यूज के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। फिट इंडिया क्यूज 2022 के लिए भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसके लिए किसी भी स्कूल के बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस क्यूज में भारतीय खेल का इतिहास, पारंपरिक खेल, योग पर्सनैलिटी, फिटनेस टॉपिक, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स और अन्य लोकप्रिय खेलों से सवाल पूछे जाएंगे। फिट इंडिया क्यूज में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को 4 राउंड से गुजरना होगा, जिसमें तीसरा राउंड राज्य स्तर, चौथा राउंड राष्ट्रीय स्तर पर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर सफल विद्यार्थियों को मिलेगा 25 लाख, अभ्यर्थी को 2.50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए छात्र छात्राएं 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए निर्धारित है। 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। शेखपुरा पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधी को रंगे हाथ दूसरे के एटीएम कार्ड से रुपए निकालते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक साइबर गिरोह के सदस्य हैं, जो किसी के दूसरे के साथ एटीएम से पैसा निकाल रहे थे। इसी बीच पुलिस ने एटीएम मशीन के पास से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साइबर अपराधी के पास से 1,93,000 रुपया जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी का एक लग्जरी वाहन और एक बाइक भी सीज किया गया है। बिहार में बेरोजगारी दर में आई गिरावट। बिहार की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बेरोजगारी दर 11.4% रही। यह अगस्त की तुलना में 1% से कम है। वहीं शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर में तुलना करें तो पिछले महीने शहरी बेरोजगारी दर 9.57 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.68% दर्ज की गई थी, जबकि यह सितंबर में क्रमशः 7.70 और 5.84% पर आ गई है। इस लिहाज से देखें तो बिहार में जुलाई के बाद सितंबर में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और बेरोजगारी दर 12.8% पर आ गई है। कुमार सर्वजीत बनाए गए कृषि मंत्री। बीते दिन महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से आने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत को कृषि विभाग आवंटित किया गया। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि महागठबंधन सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही सुधाकर सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने लगे। एक ओर जहां उन्होंने अधिकारियों को चोर तो वहीं खुद को चोरों का नेता बताया था, वहीं अफसरशाही को लेकर सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके मनमुटाव की खबर आई थी। इन सब के बीच बीते दिन सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया। हथिया भी बिहार वासियों को कर रहा निराश। इस बार प्रदेश में पर्याप्त से बहुत कम बारिश हुई है। बिहार में नक्षत्र के बड़े मायने हैं। ग्रामीण लोग और किसान फसल की बुआई, कटाई, नक्षत्र देखकर ज्यादा और मौसम विभाग के अलर्ट से कम करते हैं। इस दौरान अभी हथिया नक्षत्र चल रहा है और बिहार वासियों को हथिया नक्षत्र से बड़ी उम्मीद थी कि जो भी बारिश की कसर होगी इसमें पूरी हो जाएगी, लेकिन लोगों को यहां भी निराशा ही हाथ लगी है। बता दें कि 27 सितंबर से हथिया या हस्ता नक्षत्र का आगमन हुआ, 11 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन इस बार हथिया नक्षत्र में भी बारिश की छिटपुट गतिविधि ही बनी हुई है। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले नीतीश कुमार। बीते दिन महागठबंधन सरकार में राजद कोटे से कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। 2 महीने के अंदर नीतीश कैबिनेट से 2-2 मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा देने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, राजद ने उनकी विदाई की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी पूरी जानकारी जगदानंद सिंह ने पहले ही दे दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का क्या होने वाला है, इसकी पूरी पटकथा राजद की ओर से लिखी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने पूजा पंडालों का भ्रमण कर लिया मां का आशीर्वाद। शारदीय नवरात्र के सातवें दिन ढोल नगाड़े के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पट खोला गया। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बीते दिन देर शाम पट खुलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के पंडालों में माता के दर्शन किए। सीएम ने राजधानी के अलग अलग पूजा पंडालों में जाकर देवी दुर्गा की पूजा की। बता दें कि कई जगहों पर बीते दिन देर शाम माता रानी के पट खोल दिए गए। वहीं कई जगहों पर षष्ठी तिथि को ही भक्तों के लिए माता रानी के पट खोल दिए गए थे। वहीं कुछ जगहों पर आज यानी अष्टमी तिथि के दिन माता रानी के पट खुलने वाले हैं। पूजा पंडालों की वजह से राजधानी के हर इलाके में चहल पहल देखने को मिल रही है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर जगदानंद सिंह का बयान। आखिरकार बीते दिन महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री बने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह शुरू से ही अपने कृषि अधिकारियों से खफा थे। अधिकारियों को चोर तो वहीं खुद को चोरों का नेता बता रहे थे। शायद इसके बाद ही महागठबंधन में मतभेद पैदा हुआ और आखिरकार बीते दिन सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर उनके पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री के किसानों के लिए आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाने के साथ साथ बलिदान भी देना पड़ता है, इसलिए कृषि मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया है। भाजपा का नीतीश सरकार के खिलाफ मौन धारण। बीते दिन रविवार को गांधी जयंती पर बिहार भाजपा की ओर से मौन धारण किया गया। यह धरना गांधी प्रतिमा के नजदीक नीतीश सरकार के खिलाफ था और साथ ही विपक्ष ने सिद्धांत विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भाजपा के लोग आज मौन धरना इसलिए कर रहे हैं कि महात्मा गांधी और ईश्वर नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें कि बिहार में कानून व्यवस्था की जो दुर्गति हो गई है वे उस पर ध्यान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जिस समय पटना में इन्वेस्टर्स मीट करते हैं उसी दौरान पटना से 25 किलोमीटर दूर 1000 राउंड गोली हो चलती है, लेकिन इस मामले में एक भी अपराधी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरे बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा का जन्म 1953 में हुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता का जन्म 1949 में हुआ। उड़ीसा के समाजसेवी और सार्वजनिक कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण साहू का जन्म 1890 में हुआ। भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का निधन 1923 में हुआ। प्रसिद्ध न्यायवेद अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का निधन 1953 में हुआ। भारतीय लेखक M.N. विजयन का निधन 2007 में हुआ। टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने 2008 में सिंगूर से नैनो कार परियोजना अन्यत्र ले जाने की घोषणा की। भारत ने 1994 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1977 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म 1978 में हुआ। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए 1984 में रवाना की गई। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया द्वारा मिलने वाली नौकरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया द्वारा मुहैया कराए जाने वाले जॉब के बारे में। दरअसल PIB ने एक ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है कि एक नियुक्ति पत्र में दावा किया गया है कि डिजिटल इंडिया द्वारा उपरोक्त पद ड्राइवर या चपरासी हेतु आवेदक को सरकारी नौकरी के लिए चयनित किया गया है एवं इस एवज में पैसों के भुगतान की मांग की है। PIB ने लिखा है कि यह पत्र फर्जी है, डिजिटल इंडिया द्वारा ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। कहीं आपका भी नंबर व्हाट्सएप द्वारा बैन करने की लिस्ट में तो नहीं? मेटा के स्वामित्व वाला मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने फिर से लाखों अकाउंट्स को बैन कर दिया है। कंपनी ने इसको लेकर रिपोर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया कि इनमें से 108,000 भारतीय व्हाट्सएप अकाउंट्स को प्रोएक्टिवली बैन किया गया है। इन अकाउंट्स को IT रूल्स 2021 के तहत बैन किया गया है। इन रूल के तहत डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं उन्हें हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। ऐसे में आप स्पैम वाले मैसेज व्हाट्सएप पर भेजने से बचें। किसी को भी परेशान करने वाले मैसेज ना भेजें। अश्लील या गैरकानूनी कंटेंट शेयर ना करें। वार्निंग मिलने के बाद भी गलती को ना दोहराएं। मिलर की सेंचुरी पर भारी पड़ी सूर्या की पारी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए KL राहुल के 57, सूर्यकुमार यादव के 61 और कोहली के 49 रनों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 237 रनों का विशाल सा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने इस मैच में कमाल की बैटिंग का नजारा पेश किया और अफ्रीकी टीम की बॉलिंग की कमर तोड़ दी। टीम इंडिया के लिए KL राहुल ने 28 बॉल में 57 रनों की
पारी खेली जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 37 बॉल में 43 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए हीरो सूर्य कुमार यादव साबित हुए जिन्होंने 22 बॉल में 61 रन बनाए और अफ्रीकी बॉलिंग को तहस नहस कर दिया। अंत में विराट कोहली ने 28 बॉल में 49 और दिनेश कार्तिक ने 7 बॉल में 22 रनों की पारी खेली। शुरुआती 2 ओवर में अफ्रीका के 2 विकेट गिर गए थे लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और क्विंटन डिकॉक की कमाल की बैटिंग देखने को मिली। डेविड मिलर ने यहां 47 बॉल में 106 रन बना डाले। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज कुमार, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मनोज राम, नुनू कुमार, पवन सिंह, रविशंकर, कुमारी संजना, रजनीश कश्यप, अरमान कुमार और अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि महागठबंधन सरकार से एक और मंत्री के द्वारा इस्तीफे को देखते हुए आपको क्या लगता है कि यह सरकार अच्छे से चलने में सफल हो पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।